क्या आपने किसी जहाज के इंजन को कभी बनते देखा है, या फिर आप जानना चाहते हैं टायर की प्रोडक्शन के बारे में? हम आपको शिप के प्रोपल्शन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाने वाले हैं। तो एक बार इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। आप चाहें तो इसे दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हर आने वाली वीडियो का मजा ले सकते हैं। एबीवी मरीन। दोस्तों, शिप को चलाने के लिए पहले चप्पू और विंड का इस्तेमाल किया जाता था, मगर इंजन की इजाद के बाद बड़े बड़े बहरी जहाजों को चलाने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। प्रोपल्शन सिस्टम एक फैन की तरह होता है, जिसे पानी में घुमाने पर शिप को आगे या पीछे किया जा सकता है। एबीवी मरीन का एजी बॉट भी ऐसा ही एक प्रोपल्शन सिस्टम है, मगर ये इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक पावर से चलता है। इससे न सिर्फ कार्बन एमिशन में कमी होती है, बल्कि शिप को बेहतर तरीके से मूव भी करवाया जा सकता है, क्योंकि आम प्रोपेलर सिर्फ कुछ एंगल तक रोटेट किए जा सकते हैं, जबकि एजी पॉड 360 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। और एबीवी ने इसमें फोर्थ जेनरेशन मोटर इस्तेमाल की है। इसकी इंजीनियरिंग सच में लाजवाब है। यहाँ तक कि पानी में मौजूद समंदरी हयात को बचाने के लिए एबीवी ने प्रोपेलर को कदरे साइलेंट बनाया है। और तो और, बर्फानी इलाकों की जमी कई इंच मोटी बर्फ भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रोल्स रॉयस ट्रेंट XWB असेंबली। ज्यादातर लोग रोल्स रॉयस को गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानते हैं, मगर सच ये है कि इस कंपनी ने दुनिया को कारों और गाड़ियों के अलावा जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज दी हैं, जिसकी एक शानदार मिसाल ट्रेंट XWB है। ये दुनिया का सबसे फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, जिसे एयरबसेस और बोइंग 707 जैसे बड़े बड़े जहाजों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन एक बड़ी टरबाइन और 20,000 छोटे बड़े कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसका ज्यादातर काम एक्सपर्ट्स के हाथों से ही किया जाता है, इसलिए एक इंजन की तैयारी में महीनों लग जाते हैं। एक ट्रेंट XWB की कीमत 30 मिलियन यूरोस है। एक एयरबस को उड़ाने के लिए हर इंजन से 4.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट दरकार होती है, और हवा की रगड़ से इंजन को लगभग 2000 सेल्सियस हीट बर्दाश्त करनी पड़ती है। रोल्स रॉयस का शुक्रिया, जिन्होंने इसे लेस नोइजी बनाया, जो यकीनन आपके हवाई सफर को बेहतर बनाता है।
हेवर्ड सॉन्डर मशीन बॉ GMBH। हेवर्ड कंपनी को विंड टर्बाइन्स के प्रोडक्शन यूनिट डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। यहाँ हम आपको एक फैक्ट्री में लेकर चलते हैं, जहाँ पर हेवर्ड की बनाई मशीनें विंड ब्लेड्स को तैयार कर रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक विंड ब्लेड को तेज हवाओं की वजह से लिफ्टिंग फोर्स बर्दाश्त करना होती है, इसलिए विंड ब्लेड के टॉप और बॉटम शेल के दरमियान एक शियर वेब्स को रखा जाता है। ये विंड ब्लेड की स्ट्रेंथ में इजाफा करते हैं, मगर इनकी फिटिंग का काम सिर्फ मशीनों से नहीं किया जाता है, क्योंकि शियर वेब्स के लिए बहुत एक्यूरेसी की जरूरत होती है। मगर हेवर्ड की प्रोडक्शन और हैंडलिंग यूनिट्स 70 फीट लंबे और 2 टन भारी ब्लेड्स को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। हाइसलर VRM रोलर बेंडिंग मशीन। दोस्तों, अब आप एक रोलर बेंडिंग मशीन को देख रहे हैं। ये बड़े बड़े मेटल शीट्स को मिनटों में बेंड करके सिलेंड्रिकल शेप में ढाल सकती है। इस वक्त ये 600 टन फोर्स के साथ एक 30 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी मेटल शीट को बैंड कर रही है। मशीन के अपर और लोअर हाइड्रोलिक सपोर्ट की पोजिशन को बदल कर सिलेंड्रिकल रिंग का डायमीटर बदला जा सकता है। जब एक दफा रिंग पूरी तरह से ढल जाता है, तो उसके दोनों एंड्स को आपस में मिलाकर वील्ड कर दिया जाता है। ये दरअसल मेगा स्ट्रक्चर्स और मशीन की कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। विटास टायर प्रोडक्शन। इस क्लिप में हम आपको टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग समझाएंगे। सबसे पहले रबर ट्री से एक खास किस्म का गम तैयार किया जाता है, और फिर इस गम में मुख्तलिफ कंपाउंड्स को मिक्स करके रबर तैयार किया जाता है। रबर बनाना भी अपने आप में एक पेचीदा अमल है। एनीवेज, जब रबर तैयार हो जाता है, तो उसे हीट करके कैलिनरिंग मशीन से गुजारा जाता है,
ये मशीन रबर को लंबी शीट्स में बदल देती है। इसके बाद एक्सट्रूजन मशीन इन्हें मतलूबा साइज में काट कर फॉरवर्ड कर दी जाती है। अगले मरहले में तैयार शुदा शीट्स की दोनों साइड को नायलॉन, स्टील और पॉलिएस्टर से कोट किया जाता है। बीड कोर टायर का सबसे बैरूनी हिस्सा होता है और इसका काम वाइब्रेशन को कम से कम करना होता है, और ऐसा किया जाता है स्टील वायर और रबर को अलाइन करके। जब टायर के सब पार्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो उन्हें एक बड़े से मोल्ड में रखकर प्रेस किया जाता है। आम टायर्स तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, मगर बड़े टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम 2 घंटे का वक्त दरकार होता है। दोस्तों, इस वक्त COVID-19 की तीसरी वेव खत्म होने वाली है, मगर माहिरीन के मुताबिक इस तरह की वेव्स हर 3 से 4 महीने के वक्फे के बाद अगले 5 साल तक आती रहेंगी। इसलिए मास्क पहने और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और एहतियात से बेहतर कुछ भी नहीं। आखिरकार जान है तो जहान है। हमें उम्मीद है कि आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा और जाना होगा। ऐसी मजीद मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मशीन्स आर ऑसम को सब्सक्राइब कर लें और सबका ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड बी क्यूरियस, बी ऑसम।